दोस्तों दिन है 16 जून, एस्ट्रॉइड 2021 LY4, 16 जून 2021 LY4 शाम को 4:33 पर हमारी धरती से लगभग 232,285 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा एस्ट्रॉइड। जी हाँ दोस्तों, इस एस्ट्रॉइड के बारे में सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। ये है हमारा सौर मंडल। दोस्तों आप इस सौर मंडल में देख सकते हो कि ये वाइट कलर का जो ऑर्बिट पीरियड है वो इस एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट पीरियड है, और ये ब्लू कलर का जो ऑर्बिट पीरियड है ये हमारी धरती का ऑर्बिट पीरियड है, और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह का ये जो ऑर्बिट पीरियड है जो अलग अलग रंगों में आप देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है 2021 LY4 नाम का यह उल्कापिंड किस तरह से आगे बढ़ता हुआ हमारी धरती के बेहद नज़दीक से होकर गुजरेगा। 16 मई शाम को 4:33 पर यह हमारी धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, यह उल्कापिंड शाम को 4:33 पर लगभग 232,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। दोस्तों आपको ये दूरी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया में हजारों खरबों किलोमीटर का फासला तय करने वाले इन एस्ट्रॉइड के लिए ये दूरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये अंतरिक्ष में 50,000 से 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस अंतरिक्ष में से घूम रहे होते हैं। और जहाँ तक बात है 2021 LY4 नामक यह उल्कापिंड की, बताया जा रहा है कि यह उल्कापिंड की रफ्तार 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इतनी तेज़ी से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देखिए किस तरह से इस उल्कापिंड और हमारी धरती के बीच की दूरी कम होती जा रही है, और कुछ इस तरह से हमारी धरती के बेहद नज़दीक से होकर यह उल्कापिंड गुजरेगा। जी हाँ, आप देख सकते हो इस एंगल से कि ये किस तरह से हमारी धरती की दूरी से गुजरेगा, और इस एंगल से भी आप देख सकते हो। दोस्तों 16 मई शाम को 4:33 पर हमारी धरती के सबसे कम दूरी पर स्थित होगा, और ये इस तरह से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करके आगे अपने ऑर्बिट सफ़र के लिए निकल जाएगा। दोस्तों ये उल्कापिंड हमारी धरती के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा आकार का उल्कापिंड हमारी धरती से टकराएगा तो निश्चित ही भयानक तबाही हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर।